Hello Cash family, you watching Kid KDS and this is Dikesh. Friends, वो कौन सी चीज है जो आपकी लाइफ को एक साल में नहीं, एक महीने में नहीं, बल्कि एक दिन में और एक मिनट में चेंज कर सकती है? तो मे बी आपके माइंड में आया होगा पैसा, फेम, फैमिली, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की स्किल और ऐसे बहुत सी चीजें। ये सारी चीजें तो जरूरी है, लेकिन जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ और जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकती है, वो है एटीट्यूड। आपका खुद का एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड ही एक ऐसी चीज है जिसे आप चेंज करके अपनी पूरी दुनिया चेंज कर सकते हो। दुनिया को देखने का नजरिया बदल के आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से बेहतर बना सकते हो। हमें से बहुत लोगों के माइंड में एटीट्यूड की एक गलत डेफिनेशन बन गई है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि एटीट्यूड बुरे इंसान या इगोइस्टिक इंसान में ही होता है, जो पूरी तरह से गलत है। एटीट्यूड का मतलब है आपके देखने का नजरिया, आपके इस पूरी दुनिया को देखने का नजरिया, आपका रवैया, आपका बिहेव, जिस नजर से आप दुनिया को देखते हो, वही आपका एटीट्यूड है। और एटीट्यूड और ईगो में क्या डिफरेंसेस है, ये जानने के लिए आपको सी कैन की ये बेहतरीन वीडियो जरूर देखनी चाहिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वैसे तो मैं आपको हर वेडनेसडे एक बुक समरी देता हूँ, लेकिन आज मैं आपको एक बुक नहीं बल्कि दो बुक की समरी दूंगा। जेफ केलर की बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, ये अमेरिका के पहली पॉजिटिव बुक्स में से एक है, जो बहुत ही डीप है। और इस बुक को समझने के लिए आपको एटीट्यूड को समझने की जरूरत है, सेल्फ स्टीम को समझने की जरूरत है और बिलीफ को समझने की जरूरत है। तो इस बुक की समरी मैं आपको नेक्स्ट वेडनेसडे दूंगा। अब आते हैं हमारे आज के बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग पे। ऑथर कहते हैं, हम जिस तरह से दुनिया को देखते हैं, हमारे लिए दुनिया वैसी ही बन जाती है। अगर हम अच्छे लोगों को देखेंगे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, तो इसके ज्यादा चांसेस हैं कि हमारे आसपास पॉजिटिव लोग रहेंगे। मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर एटीट्यूड की कोई डेफिनेशन है तो यही है कि आपकी दुनिया को देखने का नजरिया। आपका एटीट्यूड जैसा है वैसे ही दुनिया आपके लिए बन जाती है। सिर्फ अपने एटीट्यूड को चेंज करके आप अपने मिलने वाले आउटकम को भी चेंज कर सकते हो। ऑथर एटीट्यूड को इतना इम्पोर्टेंट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एटीट्यूड आपके वर्ड्स को इफेक्ट करता है, आपके वर्ड्स आपके एक्शन को इफेक्ट करते हैं, आपके एक्शन आपके हैबिट्स को, आपके हैबिट आपके करेक्टर को और आपके करेक्टर आपकी डेस्टिनी को इफेक्ट करते हैं। इट मीन्स ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आप अपने एटीट्यूड चेंज कर सकते हो तो आप उस चीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हो जिसे आप फ्यूचर कहते हैं। इस दुनिया में जितने भी लोगों ने जो कुछ भी बड़े काम किए हैं, इतिहास रचे हैं या कुछ भी इन्वेंट किया है, तो इसलिए किया है क्योंकि उनका ये एटीट्यूड था, उनका ये एटीट्यूड था हार ना मानने का। अगर मैं बात करूँ अपने लास्ट वीडियो की, जिसमें मैंने हिटलर के बारे में बताया था, हिटलर एक अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन वो बहुत अच्छा लीडर था। उसके एटीट्यूड के कारण लोग उससे इन्फ्लुएंस हो जाते थे और उसके एटीट्यूड के कारण ही बहुत लोग उससे डरते भी थे। एक बार हिटलर का एक सोल्डर हिटलर के पास आया और उसने घबराते हुए कहा, सर हमें दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया है, हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, अब हमें सरेंडर करना ही पड़ेगा। तो हिटलर ने जवाब दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है, चारों तरफ से दुश्मनों ने हमें घेर लिया है, अब हम किसी भी डायरेक्शन पे फायर करके दुश्मनों को मार सकते हैं। ये होता है एक विनर एटीट्यूड, जिसकी वजह से लोग अपने पोटेंशियल को बाहर निकाल पाते हैं। बहुत लोगों में एबिलिटी होती है, ताकत होती है कोई बड़ा काम करने की, लेकिन वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनका एटीट्यूड ये ऐसा नहीं होता। इसलिए ऑथर कहते हैं, अपने एटीट्यूड को इतना बड़ा बनाओ, ऐसा बनाओ जिससे आप लाइफ में बहुत आगे जा सको। राजा की तरह जीने के बारे में सोचो, लेकिन किसी को गुलाम बनाने के लिए नहीं। ऑथर कहते हैं, एटीट्यूड एक खिड़की है जो बहुत साफ और पॉजिटिव है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, उसमें बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आ जाती है और जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनके थॉट्स भी हम में आ जाते हैं, जिसकी वजह से दुनिया को हम साफ तरीके से नहीं देख पाते। हमें लगता है जो बाकी लोग बोल रहे हैं वही सही है। अगर आपके आसपास के मैक्सिमम लोग आपको बोल रहे हैं कि अमीर लोग अच्छे नहीं होते, वो दूसरों को बहुत धोखा देते हैं, तो धीरे धीरे इन बातों से आपकी खिड़की गंदी होने लगती है। आप उन बातों को सच मान लेते हो और दुनिया को अच्छी तरीके से नहीं देख पाते, और ऐसे ही आपका एटीट्यूड बनता है और ये आपके वर्ड्स को, आपके एक्शन को, आपके हैबिट को और आपके कैरेक्टर को इफेक्ट करता है, जो आपकी पूरी लाइफ की फाउंडेशन है। तो अभी तक आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि एटीट्यूड कितना इम्पोर्टेंट है और एटीट्यूड में घमंड जैसा कुछ भी नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें अपने एटीट्यूड को कैसे बनाना चाहिए। आपको ऐसा इंसान बनना चाहिए जो हर सिचुएशन में अपने लाइफ के कोई भी प्रॉब्लम में सोल्यूशन ढूंढे, ना कि बहाने बना के रोने लगे। आपको विनर वाला एटीट्यूड रखना चाहिए। आपको अपने आप से हमेशा ये बोलना चाहिए, या तो मैं जीत जाऊंगा या तो मैं कुछ सीख जाऊंगा। हार जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती। इसे आप सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कह सकते हो, क्योंकि जब आप मान लेते हो वही चीजें आपके साथ होने लगती है। अगर आप मानते हो आप पॉजिटिव हो, आप एनर्जेटिक हो या आप पावरफुल हो, तो आप एक्चुअल में हो जाते हो। लेकिन जब आप नेगेटिव चीजों के बारे में सोचना शुरू करते हो, उन मोमेंट्स को सोचना शुरू करते हो जिस टाइम आपके साथ बहुत बुरा हुआ था, तो आप लगातार और भी नेगेटिव होते जाते हो।
जिसकी वजह से आप अच्छे डिसीजन नहीं ले पाओगे। और अगर आप अच्छे डिसीजन नहीं ले पाओगे तो आपको अपने लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, लेकिन आपको कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए। अगर आप में ओवर कॉन्फिडेंस है तो आपके फेलियर के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इसकी गिनती आपके एटीट्यूड में नहीं बल्कि ईगो में की जाएगी। औरंगजेब ने अपने वॉरियर को, जिनके पास 10 लाख की सेना थी, उन्हें गुरु गोविंद सिंह के पीछे लगा दिया ताकि वो 10 लाख लोग गुरु गोविंद सिंह को पकड़ सके। गुरु गोविंद सिंह के पास सिर्फ 40 लोगों की एक टीम थी, जिनमें उनके दो बेटे भी थे, इसलिए वो एक मैंशन में छुप गए। पर नीचे से औरंगजेब की सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था, या तो सरेंडर कर सकते थे या तो लड़ सकते थे, लेकिन 10 लाख लोगों से लड़ना उनके बस के बाहर था। लेकिन उनका विनर एटीट्यूड के कारण उन्होंने हार नहीं माना, उन्होंने लड़ने की ठानी। और गुरु गोविंद सिंह ने एक अच्छे लीडर की तरह उन्हें मोटिवेट करते हुए कहा, चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, गिदड़ा नू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख नू एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम कहावा। उनकी बात से मोटिवेट हो गए 40 के 40 लोग खड़े हो गए और उन्होंने लड़ने की ठान ली। और जब लोगों में ऐसा पावरफुल एनर्जेटिक एटीट्यूड आ जाता है, वो जिद्दी हो जाते हैं, वो पागल हो जाते हैं किसी भी काम को करने के लिए। और यही हुआ। कोई भी सोच नहीं सकता था कि सिर्फ 40 लोग 10 लाख की सेना को हरा देंगे, और उन 40 से 40 लोगों ने जान लगा दी और उन 10 लाख लोगों की सेना को मार डाला और वहां से निकल गए। तो उनका एटीट्यूड था जिनकी वजह से वो इतना बड़ा काम कर पाए बिना अपने आप पे बिलीव करे। कोई भी इंसान इतना नहीं कर सकता। तो इस वीडियो के एंड में बस इतना ही कहूंगा कि आपका एटीट्यूड वो खिड़की है जहां से आप पूरी दुनिया को देखते हो। तो अपने माइंड में उन चीजों को स्टोर करो जो आपकी ताकत को बढ़ाते हैं, आपके एटीट्यूड को पावरफुल बनाते हैं, जिससे आप वो सारी चीजें कर पाओ जो दुनिया वाले सोच भी नहीं सकते। हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ो, पॉजिटिव लोगों से मिलो, जिस फील्ड में आप मास्टर बनना चाहते हो उस फील्ड के मास्टरों से सीखो, उनके माइंड प्रोसेस को समझो और अपने काम के प्रति कमिटेड रहो। आपको क्या बनना है अपनी लाइफ में, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ आप करोगे। इसलिए अपने एटीट्यूड को कैसा बनाना है और कैसा प्रोग्राम करना है, उसका पूरा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है और किसी के पास नहीं है। सो फ्रेंड, होप करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई हो। जो मैसेज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको देना चाहता हूँ वो आप तक पहुँच गया हूँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके मेरा कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ाना यार। और इस वीडियो को सिर्फ अपने तक मत रखो, इस वीडियो को आगे भी जरूर शेयर करो, एटलीस्ट 2 लोगों के पास तो जरूर भेजो। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तब तक लिए भारत माता की जय। वंदे मातरम। बी स्मार्ट, बी अवेयर।